कायरो द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इजिप्ट। हिस्ट्री एंड मॉडर्निज्म के मिक्सचर का परफेक्ट एग्जांपल है ये सिटी। इतना डाइवर्सिफाइड है कि हर किसी की पसंद का कुछ ना कुछ यहाँ पे जरूर मिल जाता है। आई नो, जैसे ही मैंने कायरो का नाम लिया आपके दिमाग में पिरामिड्स का नाम तो जरूर आया होगा। बट टेक्निकली स्पीकिंग पिरामिड्स कायरो में नहीं बल्कि इसके नेबरिंग टाउन गीजा में है, जो कि कायरो से कुछ 20 मिनट की दूरी पे है। सो सवाल ये बनता है कि आखिर कायरो में आप देख क्या सकते हैं, वो भी अगर आपके पास वक्त कम है तो। वेल, इन दैट केस दिस ब्लॉग माइट हेल्प यू आउट, बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू शो यू द टॉप प्लेसेस यू कैन विजिट इन कायरो इन जस्ट वन डे। नंबर वन, द इजिप्शियन म्यूजियम। लोकेटेड इन डाउनटाउन कायरो, इजिप्शियन म्यूजियम वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1858, बट डाउनटाउन में ये मूव हुआ था अराउंड 1902। प्रेजेंटली इसमें कुछ 12,000 आइटम्स है, इंक्लूडिंग द रियल ममीज टू। एंट्री फी इज 200 इजिप्शियन पाउंड फॉर ईच पर्सन। कैमराज आर नॉट अलाउड इनसाइड, बट ऑफकोर्स यू आर फ्री टू यूज योर फोन कैमरा इनसाइड। सो वी आर राइट नाउ एट द ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं बहुत सारे ममीज, देन जो भी तुतनखामन का टॉम्ब से जो भी रिकवर किया था, द ज्वेल्स, द ट्रेजर्स, एवरीथिंग वी विल बी सीइंग दैट, एंड अलोंग विद दैट वी विल ऑल्सो बी सीइंग द कॉफिन्स, द स्टैचूज, द प्रोडक्ट्स यूज्ड देयर, द एनिमल ममीज एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो दिस प्लेस इज फिल्ड विद ऑल द हिस्ट्रीज ऑफ इजिप्ट विच हैज बीन कंजर्व थ्रू द सेंचुरीज एंड डिकेड्स एंड एवरीथिंग। सो आई एम गोइंग टू टेक यू ऑन अ टूर ऑफ द इजिप्शियन म्यूजियम। The museum is spread over 2 stories and इसको देखने के लिए आपको लगभग 1.5 से 2 घंटा लगता है। I suggest you to take a guide. They charge around 300 pounds for 2 people, but it will surely help you to understand things a lot better. First room to the left has a lot of coffins and murals collected from different pyramids and tombs. कुछ कुछ coffins तो काफी beautifully decorated भी होता है, like this coffin collected from the pyramid of Dosar, जिसके अंदर आप देख सकते हैं the paintings of beer, wine, celebrations dedicated to the dead person inside the coffin. अगर आप ध्यान से देखते हैं तो हर एक coffin या mural के ऊपर Egyptian alphabet में कुछ न कुछ लिखावट जरूर मिलेगा। These writings might be related to the person owning the tomb or the coffin, या तो ये stories हो सकता है generally Egyptian legends के ऊपर। एंड दिस इज द मेन हॉल, जिसमें अलग अलग आर्टिफैक्ट्स के साथ है द वेरी फेमस स्टैच्यू ऑफ किंग रामसेस एंड हिज फैमिली। Going further, you will find a lot more statues, the mummy covers. In covers के अंदर ही mummies को रखा जाता था, then उनको pyramids के अंदर डाला जाता था. The mummification table, जहाँ पे bodies को लिटाया जाता था, and the round thing you are seeing, वहाँ से blood drain होता था, then the process used to be completed. These are the canopic jars, जिसके अंदर लोगों को mummies बनाने से पहले उनके organs like liver, kidney, heart को निकाल के रखा जाता था, and apparently in jars के अंदर अभी भी वो organs are very much present. The first floor is the most interesting one because it has all the treasure and details of the very famous boy king Tutankhamun. Tutankhamun ka tomb jab discover hua tha, ye kuch aisa paya gaya tha and ye photograph tabhi ka liya hua hai. Tutankhamun's tomb was the only tomb in Egypt jahan pe sare treasures waise hi mila tha jaise ki wo rakha gaya tha. Uska tomb mila tha Luxor ke Valley of the Kings mein and uska mummy tha 3 chambers ke andar, jo chambers ek ke andar ek stack kiya hua tha. Unfortunately, in the museum, in his treasure room, photography is not allowed, but you can definitely see them. ये था तूतनखामुन का throne chair, which is all made of gold, and this is the statue of the protecting soldier, which was also discovered from his tomb. But you can definitely see and photograph other masks, products, and treasures collected from other different tombs and pyramids. Now coming to the most interesting part, the mummies. एंशियंट इजिप्ट में एनिमल्स के भी ममीज बनाया जाता था, जैसे कि ममीफाइड डॉग्स, ममीफाइड कैट्स, ममीफाइड बंदर, इवन की ममीफाइड मगरमच्छ भी। रॉयल ममीज के रूम में आपको वैसे तो बहुत सारे ममीज देखने को मिलेगा, लेकिन उसका एंट्री फीस एडिशनल है एंड अंदर आपको कैमरा भी अलाउड नहीं है, लेकिन मैंने स्नीक इन करके 2-3 इमेजेस तो ऐसे ही ले लिया था। बट अगर आपको एडिशनल पे नहीं करना है, देन ममीज रूम के बाहर भी आप देख सकते हैं फ्री में एक चाइल्ड ममी, 2 प्रीस्ट ममीज, जिसका कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है, एंड यू कैन ऑल्सो फोटोग्राफ देम। नंबर 2, द सिटाडेल ऑफ सलादिन।
So now we are going to the citadel of Cairo. So this is called the Saladin Citadel. It was built in the year 1176 by Saladin. Then the construction was respectively taken forward by Al-Nasir Muhammad and Muhammad Ali Pasha. And ये बहुत ही पुराना एक फोर्ट कम सिटाडेल है और यहाँ पे जो एक जो उनके जो रॉयल फैमिलीज हैं ये लोग भी रहते थे. देन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम लाइक द गवर्नमेंट ऑल्सो यूज टू स्टे हियर एंड इट वॉज ऑल्सो यूज एज अ फोर्ट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द क्रुसेडर्स. एंड आप इसमें देख सकते हैं अल नसीर मोहम्मद मॉस्क, द मॉस्क ऑफ मोहम्मद अली एंड द नेशनल मिलिट्री म्यूजियम ऑफ इजिप्ट. अब हम सब देखेंगे एंट्री लेके. सो Got our tickets. It's 180 Egyptian pound each. And ये सारा सिटाडेल मॉस्क सब कवर करता है. So you can see right behind me the mosque. So this is called the Al Nasir Muhammad Ali Mosque. So we are getting inside it. जैसे आप सिटाडेल में एंट्री लेते हो, अल नसीर मॉस्क इज द फर्स्ट थिंग यू विल कम अक्रॉस. काफी ज्यादा ह्यूज है ये मॉस्क, लेकिन द बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज इट्स डिजाइन. इसका हर एक कंस्ट्रक्शन एंड डेकोर में काफी डिटेलिंग यूज किया गया है, लेकिन द बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज द सीलिंग व्हिच इज एंटायरली मेड अप ऑफ रेड सैंडलवुड ब्रॉट ऑल द वे फ्रॉम इंडिया. Mosque was built in the 19th century, somewhere between like 1857 or something. So it was commissioned by Muhammad Ali Pasha. Or agar aap Cairo mein aate ho, this is like one of the most important tourist attractions after pyramid and all. Ye located hai old Cairo mein, which is also known as Islamic Cairo. It's a very old mosque aur iska jo architecture hai itna zyada elaborate hai. Us time ka sabse bada mosque tha ye, kyunki dusre countries mein jo mosque hai wo kafi baad mein bana tha. Itna huge mosque, almost 10,000 log ek at a time yahan pe नमाज पढ़ सकते हैं. सो ये जो आप सारा जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज लाइक एंटायरली मेड ऑफ मार्बल एंड फ्लोर से लेके सीलिंग से लेके हर एक स्ट्रक्चर एंड बीच बीच में कहीं कहीं पे लाइमस्टोन यूज हुआ है जस्ट फॉर द ब्यूटिफिकेशन थिंग एंड ऑल. अगर आप मेरे पीछे देख सकते हो, दोज लाइक विंडोज एंड दिस इज ओवरलुकिंग द सिटी. सो द पीपल लाइक द गार्ड्स एंड ऑल दे यूज टू टेक ए वॉच फ्रॉम देयर लाइक बिहाइंड द विंडो एंड दे यूज टू सी कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है एंड अकॉर्डिंगली दे यूज टू प्रिपेयर देयर ट्रूप्स फॉर द प्रोटेक्शन एंड एवरीथिंग. So that's it guys, Citadel is over. Now we are moving on to Khan el Khalali market and ye bas hum bahar aaye to koi aise ek ladka tha jo ye sell kar raha tha to mujhe laga ki acha gift hai, so aapko yahan pe thode bahut souvenirs bhi mil jayenge. So got this gift for people back at home. And if you remember I told you like how these people used to keep in watch on the enemies that were coming through to their fort. So I will just take you around and show you what is the view. You can actually have the city view from here. So this is old Cairo or Islamic Cairo and the oldest part of Cairo and maybe one of the oldest town part in the history of mankind. Have a look.
beautiful. I don't want to go. Beautiful. तो कैसा लगा राज? Awesome. मुझे शूट के लिए यहाँ पे सारा दिन में रह जाओ ना, बहुत है. मस्त व्यू, ऐसी आजादी और कहाँ. I'm in love with Egypt. Then stay in Egypt. नहीं, मम्मी बन के आऊंगा. नंबर 3, खान अल खलीली मार्केट. So guys, we just came to the खान अल खलीली मार्केट. सो खान अल खलीली मार्केट इजिप्ट का सबसे पुराना मार्केट है. आप कोई भी अरेबियन कंट्रीज में जाते हो तो वहाँ का जो लोकल मार्केट है उसको सूक बोला जाता है. सो ये कायरो में ही है एंड इट इज़ इन द इस्लामिक पार्ट ऑफ कायरो और द ओल्ड पार्ट ऑफ कायरो. एंड यहाँ पे आपको सुवीनर से लेके, ज्वेलरी से लेके, कपड़ों से लेके बहुत सारे गिफ्ट आइटम्स भी मिलेगा जो आप घर पे लेके जा सकते हो फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए. एंड इट्स अ ब्यूटिफुल मार्केट गाइज एंड इट इज़ लाइक अमेजिंग स्पॉट्स वेयर यू कैन क्लिक लाइक अमेजिंग इंस्टाग्राम पिक्चर्स. सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू बाय समथिंग, मे बी सम परफ्यूम्स और समथिंग व्हाटएवर आई कैन गेट. सो लेट्स सी व्हाट वी कैन फाइंड हियर. एंड मैंने तो ऐसे बहुत सुना है इस मार्केट के बारे में, तो आज देख भी लेते कि कैसा ये मार्केट एक्चुअली है. सो खान अल खलीली का जो एक फंडा है ये आपको हमेशा याद रखना पड़ता है कि ये लोग प्राइस कुछ भी बोलते हैं, मतलब एनीथिंग दे वांट टू, बट आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड बार्गेन करना पड़ता है. एक्चुअली जो भी ये लोग प्राइस बोलते तो एक्चुअली आपको 1/3 से स्टार्ट करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर 90 बोलते तो एटलीस्ट से 30 और 40 लेस देन हाफ. एंड जस्ट बहुत पोलाइटली अगर आपको पसंद नहीं आए जस्ट आप वर्कआउट कर लीजिए एंड विल देन कॉल यू बैक. अगर देना है तो ये लोग वापस बुला लेते हैं एंड फिर दे देते हैं. सो ये एक इनसाइडर टिप है, ये कीजिए क्योंकि मैं अभी थोड़ा टाइम से मैं शॉपिंग कर रही हूँ तो उसी मुझे एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ. सो यू कैन फाइंड लाइक अ लॉट ऑफ परफ्यूम शॉप्स लाइक दिस. मैंने अभी ये लिया है सो आपको अगर लेना है तो आप ऐसे टेस्ट करवा सकते हो. मैंने भी ऐसे एक बॉटल लिया है और इस पर आप अपना फ्रेगरेंस जो भी आपको पसंद है आप ले सकते हो इसमें भर के. एंड दे जस्ट कॉस्ट यू लाइक 20 pounds, 30 pounds, 40 pounds डिपेंडिंग ऑन द फ्रेगरेंस. एंड अगर आपको गिफ्ट वगैरह करना है देन यू कैन लाइक पुट इट इन बॉटल्स लाइक दिस and you can give them and this is like local Egyptian perfume so this is actually a very good gift for people back at home. पपायरस में आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखना पड़ेगा ना, इसमें बहुत ज़्यादा स्कैम्स वगैरह होता है. सो अगर पपायरस का कुछ चीज़ें होती है जो आपको ध्यान से लेना पड़ता है. इनकेस इफ इट इज़ नॉट ए ओरिजिनल पपायरस तो वो फोल्ड नहीं होता एंड दैट इज ब्रेक्स बिकॉज वो बनाना लिप से बनाया जाता है. बट ओरिजिनल पपायरस एक्चुअली फोल्ड इन ए रोल एंड आप अगर इसको ऐसे लाइट में लाओगे तो आपको ना ऐसे रेशे जैसे ऐसे धागे दिखेंगे. सो दिस इज द साइन एंड आई एम बिकमिंग म्यूजिशियन. ओके, नो लक. लेट्स सी, राज के एक्चुअली चाचू को बहुत अच्छा बांसुरी बजाना आता था. सो नाउ लेट्स सी इफ ही कैन आल्सो डू दिस डिफरेंट. 15 होल्स है इसको, ट्राई करके तो पता नहीं है. ओ गाइस, नॉट माय फॉल्ट, वो गलत गलत वाला था, मेरा फॉल्ट नहीं है. तो मुझे बजाना आता है, देखिए. ओके, होगा होगा. क्लब चौ क्लब चौ. ट्राई ट्राई. Get on.
This 100 gram, 10. How's it? Nice, awesome. So this is not the first time I am actually tasting lotus seeds. Crunchy है, like नमकीन वगैरह जैसे ही है. काफी नमकीन है, salty है and crunchy लग रहा है. It's good. You know मामी ने क्या किया? This is sunflower seeds. इसको fry करके रखा गया है. So, और मैं बड़े ऐसे शान से हाँ आप सबको मैं ऐसे दिखा रही थी कि कैसे इसको खाते हैं, नमकीन है ये वो है, बट नाउ लिसन टू द रियल थिंग. अब इसको या तो आप ऐसे करके निकालो और खाओ. ये अजीब नहीं है मतलब पूछे. अरे उसका छिलका छिलका नहीं खाते उसका. पर मामी ने सब खा गए, छिलके विलके के साथ खा गए वो. नॉट माई फॉल्ट गाइस, मैंने कभी सनफ्लावर सीड्स पहले ट्राई नहीं किया, सो दिस इज नॉट माई फॉल्ट. नंबर 4, डिनर क्रूज ऑन द नाइल. कायरो में नाइल रिवर के ऊपर काफी सारे ऐसे डिनर क्रूजेस के ऑप्शन हैं, जिसमें आपको मिलता है एक लेविश बुफे डिनर स्प्रेड, साथ ही साथ रहता है एक इलेबोरेट बार मेनू वेयर यू कैन चूज योर फेवरेट ड्रिंक एंड सिप ऑन. इसके साथ ही साथ इन क्रूजेस में आपको देखने को मिलता है ट्रेडिशनल एंटरटेनमेंट लाइक द तनोरा डांस, द फेमस बेली डांस एंड ट्रस्ट मी गाइस, इट इज द परफेक्ट वे टू एंड योर नाइट इन कायरो. नंबर 5, लोकल इजिप्शियन फूड. And if dinner cruise is not your thing, then you can also try the various Egyptian restaurants in downtown Cairo. Well, जिसके बारे में मैं बताऊंगी आपको मेरे next vlog में. So this was all about a day in Cairo. अगर वक्त ज्यादा है तो काफी सारे और भी places आप explore कर सकते हैं. हमें तो इस city में काफी मजा आया. Hopefully आपको भी ये vlog देख के उतना ही मजा आया होगा. So goodbye from Cairo town and I will see you in my next video.